मैक्सिमम बच्चों के अंदर डाउट्स है कि किस कॉलेज में कितनी कट ऑफ गई है और कितने बच्चे किस कैटेगरी में सिलेक्टेड हुए हैं, और हमारी रैंक कम होने के बावजूद भी हमें अपना मनपसंद कॉलेज क्यों नहीं मिला है, हम कैसे सेकंड काउंसलिंग में अपना मनपसंद कॉलेज चाहें, और अगर हमें फर्स्ट राउंड में अपना कॉलेज मिला हुआ है तो कैसे हम अपना सेकंड काउंसलिंग में अपना एडमिशन प्राप्त करें। इन सारे क्वेश्चन के मैं आज के आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करूंगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नवदीप, आप देख रहे हैं अपडेट विद नबू। शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेट्स बिगिन। इसके लिए आपने सबसे पहले UBTR का होम पेज जो है उसको ओपन करना है। उसके ओपन करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन होगा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम पॉलिटेक्निक 2022। यहाँ पे आपने सिंपली ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा पब्लिक नोटिस, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे सीट मैट्रिक्स ग्रुप ई इंजीनियरिंग। आपने सिंपली राउंड वन पे क्लिक करना है। राउंड वन पे क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आप पे खुलेगा। सिंपली आपने जो PDF वाला है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे जो लिस्ट है कॉलेजेस की खुल जाएगी, कि इस लिस्ट के थ्रू आपको पता चल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा कि एक कॉलेज में किस ब्रांच में कितने बच्चे यहाँ पे सिलेक्टेड है और कितने बच्चों को फर्स्ट राउंड के लिए यहाँ पे बुलाया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो टॉप जो कॉलेज है, सभी को पता है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देहरादून पिथु वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग की, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बच्चे लिए गए हैं यहाँ पे। OP का मतलब यहाँ पे ओपन से है, जो ओपन जो जनरल कैटेगरी में है यहाँ पे 11 बच्चों को लिया गया है। OPPH का मतलब जो PH सब कैटेगरी होती है उसमें सिर्फ एक बच्चे का इसमें सिलेक्शन हुआ है। AF में एक बच्चे का हुआ, FF में यहाँ पे फ्रीडम फाइटर है, फ्रीडम फाइटर में भी यहाँ पे एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। और OP गर्ल ओपन जो गर्ल है जो जनरल कैटेगरी में जो गर्ल्स की सीट है यहाँ पे 6 लड़कियों को लिया गया है। फिर आप यहाँ पे बात करते हैं SC के जो बच्चे हैं यहाँ पे जो ओपन है, यहाँ पे 6 बच्चे लिए गए हैं। उसके बाद करते हैं PH की, यहाँ पे कोई सीट नहीं थी, फ्रीडम फाइटर की यहाँ कोई सीट नहीं थी। और जो SC कैटेगरी के जो गर्ल्स के लिए जो कोटा रहता है उसमें यहाँ पे 2 बच्चों को लिया गया है। फिर बात करेंगे ST में, ST में मात्र यहाँ पे 1 बच्चे को लिया गया है, बाकी यहाँ पे सीटें आप देख रहे होंगे ब्लैंक है। और जो ST गर्ल्स की जो सीटें यहाँ पे मात्र 1 लड़की को यहाँ पे लिया गया है। इसके बाद देख सकते हैं आप जो बैकवर्ड BC का मतलब यहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस के जो है, जो OBC के जो स्टूडेंट हैं यहाँ पे, उनकी जो सीट है मात्र यहाँ पे 4 बच्चों को लिया गया है। और यहाँ पे PH, फ्रीडम फाइटर और जो गर्ल्स है BA आपके OBC की, उनको मात्र 2 बच्चों को यहाँ पे लिया गया है। बाकी यहाँ पे TFW की जो सीटें थी यहाँ पे 2 सीटें हैं। और जो EW यहाँ पे इकोनॉमिक वीकर की जो सीटें हैं यहाँ पे 4 बच्चों को लिया गया है। सेम यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दूसरी यहाँ पे बात करेंगे हम पिथु वाले के बाद सिविल इंजीनियरिंग के अलावा, फिर दूसरा जो कॉलेज है आपके यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरा कॉलेज यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बैरंगखाल पौड़ी गढ़वाल। यहाँ पे देख सकते हैं सिविल इंजीनियर की। तो यहाँ पे जो सिविल इंजीनियरिंग के जो टोटल जो बच्चे लिए गए ओपन में, जो जनरल कैटेगरी के 11 बच्चे यहाँ पे सिलेक्टेड हैं, फिर आपके जो PH के 1 बच्चे सिलेक्टेड है, और AF का 1, और FF जो फ्रीडम फाइटर और 1, और OPGL जो जनरल कैटेगरी की से जो गर्ल्स का कोटा है उसमें यहाँ पे 6 बच्चे लिए गए हैं। सेम यहाँ पे देख सकते हैं SC से 6, और यहाँ पे जो बाकी 0-0 यहाँ पे देख रहे होंगे जो गर्ल्स है, SC की गर्ल्स की जो सीटें यहाँ से 2 बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो OBC की यहाँ पे बैकवर्ड क्लास OBC की यहाँ पे 4 बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं, और गर्ल्स में यहाँ पे 2 बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं। बाकी आपके TFW में देख सकते हैं 2 बच्चे, और EW में यहाँ पे 4 बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं। तो सेम यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा जो कॉलेजेस है, सारे कॉलेजेस के यहाँ पे लिस्ट है, आप देख सकते हैं अपने अपने हिसाब से जहाँ जहाँ आपने डाला। दूसरा कॉलेज यहाँ पे हम बात करेंगे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आपका बड़कोट में, जो आपके उत्तरकाशी में सिविल इंजीनियरिंग में, आप देख सकते हैं यहाँ पे 19 जो ओपन काउंसलिंग के थ्रू लिए गए हैं जनरल कैटेगरी के बच्चे। एक आपका जो लिया गया है वो PH लिया गया, AF आपका फ्रीडम फाइटर्स यहाँ पे लिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ। और जो 10 सीटें यहाँ पे गर्ल्स की ओपन वाली ली गई है जनरल कैटेगरी की गर्ल्स के लिए, और जो 7 सीटें यहाँ पे SC कैटेगरी के बच्चों को लिया गया है, 3 यहाँ पे सीटें गर्ल्स जो होती है SC कैटेगरी के जिनको कोटा है उनको लिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो जनरल के जो बच्चे हैं यहाँ पे मात्र यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 बच्चे को यहाँ से लिया गया है। तो आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं 6 बच्चे यहाँ से सिलेक्टेड हुए हैं। और जो यहाँ पे TFW की सीट, बाकी जो गर्ल्स है OBC कैटेगरी से यहाँ से 2 लिए गए हैं,
और TFW से यहाँ पे 3 बच्चे लिए गए हैं, आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं। सेम हम बात करेंगे डिग्री के बाद, आप यहाँ पे बात करेंगे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बड़कोट के बाद है आपका भाजपुर, यहाँ पे सिविल उधम सिंह नगर में जो कॉलेज है वहाँ पे देख सकते हैं आप। जो सिविल इंजीनियरिंग के हैं 17 बच्चे यहाँ लिए गए हैं, ओपन जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, और यहाँ पे PH के 1 और फ्रीडम फाइटर के 1 और 9 जो गर्ल्स है ओपन गर्ल्स की जो कोटा रहता है उसमें लिए गए हैं, और 6 बच्चे यहाँ पे SC कैटेगरी से लिए गए हैं, और 3 गर्ल्स यहाँ पे SC जो कोटा है गर्ल्स का उनको यहाँ पे सीट मिली हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, और मात्र यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बैकवर्ड क्लासेस की जो यहाँ पे सीटें हैं 6 बच्चे यहाँ से लिए गए हैं, आप सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। और TFW के यहाँ पे यहाँ इस कॉलेज से 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पर सिर्फ हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, आप बाकी ब्रांच की लिस्ट देख सकते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो इस पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे सारे कॉलेजेस के जो जो मेरिट लिस्ट है यहाँ पे मेंशन की गई कि कितने किस ब्रांच में बच्चे सिलेक्टेड हुए, किस कैटेगरी से बच्चों को लिया गया है। तो जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दयाना है अल्मोड़ा में, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग के यहाँ पर 8 बच्चे जनरल कैटेगरी से यहाँ से लिए गए हैं, बाकी OP PH और फ्रीडम फाइटर के 1-1 सीटें यहाँ से बच्चों को मिली गई है। और जो गर्ल्स कैटेगरी ओपन गर्ल्स का जो कोटा रहता है यहाँ से 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, SC कैटेगरी से यहाँ 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ST कैटेगरी के मात्र 1 बच्चे का सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है, और गर्ल्स की यहाँ पे जो सिलेक्शन हुआ है नल है, कोई भी गर्ल्स का यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैकवर्ड क्लासेस से यहाँ 3 बच्चे लिए गए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे TFW से भी आपके 2 बच्चे लिए गए। सेम अब यहाँ पे बात करेंगे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जो द्वाराहाट है अल्मोड़ा में, तो यहाँ पे देख सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग की यहाँ 11 जो सीट 11 बच्चे आपके जनरल ओपन से लिए गए हैं, 1 यहाँ पे फ्रीडम फाइटर, 1 और 6 बच्चे यहाँ से जो गर्ल्स ली गई है ओपन गर्ल्स ली गई है, 6 बच्चे यहाँ पे SC कैटेगरी के लिए गए हैं, और 2 गर्ल्स यहाँ पे SC जो कोटा होता है गर्ल्स का वहाँ की जो सीट है उनको मिली हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 बच्चे यहाँ से आपके OBC के लिए गए हैं, और यहाँ पे 2 बच्चे आपके फ्रीडम फाइट सॉरी TFW के जो 2 सीट हैं यहाँ पे वो बच्चों को मिली हुई है। तो आप इस हिसाब से जिस कॉलेज में आपने अपना डाला हुआ है तो आप यहाँ से अपने कॉलेज की लिस्ट देख सकते हैं। सेम यहाँ पे जो आपका जो दूसरा है आपके फार्मेसी, ये तो ग्रुप इंजीनियरिंग के था, सिमिलरली आप फार्मेसी में अपनी देख सकते हैं कि फार्मेसी में कितनी सीटें कहाँ थी, वो पहले मेरे लिस्ट में कितनी यहाँ पे गई है आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी, मैं थोड़ा सा एक कॉलेज का आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आपका नरेंद्र नगर है TD गढ़वाल, तो यहाँ पे देख सकते हैं फार्मेसी की जो सिलेक्शन हुआ है 11 बच्चे यहाँ पे जनरल कैटेगरी से लिए गए हैं, और यहाँ पे जो गर्ल्स है ओपन जो गर्ल्स होता है जनरल कैटेगरी का गर्ल्स का जो कोटा होता है यहाँ से 6 बच्चे लिए गए हैं, SC से 6, और यहाँ पे ST के भी देख सकते हैं आप 1 सीटें ली गई, और जो OBC यहाँ पे हैं यहाँ से मात्र 4 बच्चे लिए गए हैं। सेम यहाँ पे हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक श्रीनगर गढ़वाल जो पौड़ी में पड़ता है वहाँ की बात करते हैं, 11 बच्चे यहाँ से जनरल कैटेगरी से लिए गए हैं, 6 गर्ल्स जो जनरल कैटेगरी में जो लड़कियों का जो कोटा होता है यहाँ से 6 सीटें ली गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ST में यहाँ पे 1 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, और बैकवर्ड क्लास आपको OBC से यहाँ पे 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। सेम हम यहाँ पे बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक उत्तरकाशी में, यहाँ पे 11 बच्चे लिए गए हैं आपके जनरल कैटेगरी से, और 6 जो गर्ल्स हैं यहाँ पे ओपन जनरल गर्ल्स से ली गई है, SC के 6 सीटें यहाँ पे हैं और ST का 1, और मात्र OBC के यहाँ पे मात्र 4 सीट है। सेम हम यहाँ पे बात करेंगे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देहरादून में, यहाँ पे भी जो ओपन जो काउंसिलिंग हैं 19 बच्चे लिए गए हैं और 10 यहाँ से गर्ल्स ली गई है, SC की 7 सीटें यहाँ पे गर्ल्स को मिली हुई है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, और ST का यहाँ पे 1 सीट यहाँ पे क्या है मिला हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। और बैकवर्ड क्लास जो OBC की यहाँ पे टोटल सीट मिली है 6 सीट मिले। इस प्रकार आप अपनी हर ब्रांच के यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा किसका क्या फुल फॉर्म है, तो मैंने जैसे बता दिया OP मतलब ओपन जनरल कैटेगरी, SC मतलब शेड्यूल कास्ट, ST मतलब शेड्यूल ट्राइब, और BC मतलब मैंने जैसे आपको तो बैकवर्ड क्लास आपका OBC आता है, GL मतलब गर्ल्स ऑब्लिक वुमेन कैंडिडेट, आप यहाँ पे EWS यहाँ पे जो फुल फॉर्म है इकोनॉमिक वीकर जो सेक्शन होता है EWS जो कोटा मिलता है उसकी रिगार्डिंग सीट है। इस हिसाब से आप हर कॉलेज का यहाँ पे सीट दे सकते हैं, आपके हर ब्रांच की यहाँ पे सीट एलोटेड है। लेटरल एंट्री का भी देख सकते हैं, लेटरल एंट्री में भी आप सिंपली क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपके कॉलेजेस की जो लिस्ट है यहाँ पे खुल जाएगी, आपको पता चल जाएगा किस कॉलेजेस में कहाँ पे कितनी मेरिट लिस्ट रुकी हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक
यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया है। जैसे मैं एक यहाँ पे बता रहा हूँ, जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जो भीमताल है आपका नैनीताल में, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो सीटें देख सकते हैं आप, मात्र ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिस्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जो भीमताल नैनीताल में, यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग की मात्र 3 सीटें आपकी जनरल कैटेगरी से थी, मतलब जो जिन्होंने 12th से यहाँ पे पास आउट किया है, 3 सीटें उनके लिए थी, और 3 सीटें यहाँ पे आईटीआई वालों के लिए थी। और जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो सीटें थी यहाँ पे, और 6 सीटें यहाँ पे मैकेनिकल ब्रांच से है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पौरी में। और इसके साथ सभी कॉलेज में मैक्सिमम हर जगह 3 3 सीटें हैं, चाहे वो सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में हो, आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अब जल्दी एक नई वीडियोस आएगी सेकंड काउंसलिंग के रिगार्डिंग। और मैं बताना चाहूँगा, जिन बच्चों ने अब बच्चों को फर्स्ट राउंड में अपना कॉलेज नहीं मिला है, ऐसे बच्चों को अपना सेकंड काउंसलिंग के लिए वेट करना होगा। और जिन बच्चों को फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन मिल चुका है लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं है अपने कॉलेज के लिए, तो सेकंड काउंसलिंग उनके लिए भी है। और जिन बच्चों ने अपना फर्स्ट काउंसलिंग में अपना एडमिशन करा लिया है लेकिन वो अपने कॉलेज जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं, या उनका दूर का एरिया है, वो चाहते कि नज़दीक उनका होम टाउन उनको मिले, तो वो ज़रूर सेकेंड काउंसलिंग करा सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी क्वेरी सॉल्व करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, मेरा चैनल अपडेट विद नब्बू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।